आपके लिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो पिटारा के यस यस चैलेंज में सबसे पहला जो पार्ट था उसमें इसने बोली कि मैं खूब अच्छे से रेडी हो गई हूँ, और आप सबके भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यस यस वाला चैलेंज करो। तो कभी ना जब भी करती थी तो कोई ना कोई रुकावटें आ जाती थी, तो आज कुछ भी हो जाए ये चैलेंज हम पूरा करके रहेंगे। तो सबसे पहले पिटारा के तू तो तैयार हो गई है, लेकिन इसके अंदर तेरी माँ की जो क्वालिटी है ना वो साफ नजर आ रही है कि तू यस यस करवाने के लिए तैयार हो गई है। बाल खुले रख के, दुपट्टा हटा के, खूब सारा मेकअप थोप पे, खूब सारा फिल्टर लगा के तू रेडी हो गई है। और वहीं पे अगर तेरे बच्चों को देखा जाए तो उनके बालों में कंघी नहीं है, इनको नहलाया नहीं गया है, इनको तैयार नहीं किया गया, इनके कपड़े तक के चेंज नहीं है। तो मतलब के किस किस्म की तू माँ है, और तू क्या बोलती है कि मैं मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ। सबसे पहले तो तू तेरे बच्चों के ऊपर ध्यान दे दे, ठीक है। ध्यान तो तू तेरे बच्चों के ऊपर देती नहीं है, और तू बोलती है कि मैं मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ। ये क्यों नहीं बोलती कि तू खुद की अय्याशियों के लिए कर रही है, तू खुद के मज़े के लिए कर रही है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात के हस्बैंड को तू जबरदस्ती यस यस करवाने वाली है, वो भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। दूसरों को देख के तू कॉपी कर रही है यस यस वाला जो, तो ये सारा कुछ ये बोलना कि मुझे कमेंट आ रहे थे तो भाई। और पहली बात तो कि तू यस 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 सिर्फ ये वीडियो में करवाई है। हम तो 2.5-3 साल से देख रहे हैं कि वो बंदा हर तेरी बात में यस यस ही तो करता है। तू उसको कितनी भी गालियाँ खिलवाती है, सोचो कि पहले तो प्लानिंग प्लॉटिंग ही होती है ना घर में कि मैं इस तरह से ये मुद्दा उठाऊंगी, फिर लोग तुम्हें गालियाँ देने आएंगे, फिर तुम इस तरह से करना, तो क्या वो मना करता है। वो तो गालियां खाने के लिए भी यस यस करता है। तो कौन सा नया चैलेंज कर दी तू, हम तो 3 साल से देख रहे हैं ये चैलेंज तेरा। और दूसरी बात कि ये जो फिल्टर है ना ये थोड़ा कम कर दे बुड्ढी, ये फिल्टर कम कर, क्योंकि जो तेरा असली चेहरा है ना वो किसी ना किसी के मोबाइल में आता है, किसी ना किसी के ब्लॉग में आता है, तो हमें पता है कि तेरा असली चेहरा क्या है। इतना मोपर मेकअप थोप लेने से, फिर बाद में इतना फिल्टर लगाने से तू किकली काकी नहीं बन जाएंगी पिटारा, तू मोटी संडी अंटी है और अंटी ही रहेंगी। या अल्लाह, ये औरत का मुझे समझ नहीं आता है कि ये कितनी ड्रामेबाज है, कितनी ज्यादा बड़ी एक्टर बनना चाहती है। किचन में खड़े रह के बोरी आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी, और वो तो है ही भाई, गोंचू तो गोंचू ही है कि आप बहुत परफेक्ट हो, आप बहुत ज्यादा अच्छी हो, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, आप पतली हो, आप ये हो वो हो। चलो ठीक है पिटारा, मुझे पता है कि मुझे नहीं बल्कि हर किसी को पता है कि तुम्हें तारीफें करवाना कितना ज्यादा पसंद है, कि तुम बच्चे बच्चे को भी पकड़ के तारीफें करवाती हो, और खास करके रमजान है, जब वो तारीफ करता है ना तो पिटारा फिर आसमान में है ना परी बन के उड़ने लगती है। तो घोचे से भी तारीफ करवा रही थी, तो पिटारा थोड़ा सी दुपट्टा अगर सीने पे रख लेती तो कोई बड़ी बात तो नहीं हो जाती है ना। हाथ से आटे को जोर जोर से पटकते पटकते जो तू अपना सीना दिखा रही थी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी शर्म कर ले, तेरा जवान बेटा भी तेरा वीडियो देखता है, और बड़ा होके वो कितना अच्छा तेरे बारे में सोचेगा ना, अगर के इज्जतदार निकला तो, तेरी तरह निकला तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी शर्म कर ले, तू क्या अपने इस्लाम को दिखा रही है, क्या तू अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है कि तू इस तरह की औरत है। और मतलब कि शर्म नहीं आती तुझे कि कैमरे के सामने जब तुझे पता है इतने लोग तुझे देखने वाले हैं तो थोड़ा सी सीने पे ही दुपट्टा रख लेती। सर पे तो खैर तूने दुपट्टा छोड़ ही दिए, अपने गंदे से बाल दिखाना, अपना आधा टकला दिखाना, तुझे लगता है कि लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं तेरे से, तेरी खूबसूरती में डूब जा रहे हैं। तो दुनिया में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोग पड़े हैं, अगर थोड़े बहुत लोग तुझे देख भी रहे ना तो तेरे पागलपने की वजह से देख रहे हैं, ना कि तेरे खूबसूरती के वजह से। तो थोड़ा सी ना दुपट्टा सीने पे रख ले, कैमरे के सामने भी शर्म नहीं है, ससुर के सामने भी शर्म नहीं है। पतला सा दुपट्टा लेके और फिर ससुर के सामने जाके झुक झुक के खाना रखना, सर पे दुपट्टा ना रख के ये दिखाना कि मेरी कितनी अच्छी तरबियत हुई है, मैं बड़ों की कितनी इज्जत करती हूँ, बड़ों को कितना रिस्पेक्ट देती हूँ, वो पिटारा तेरे वीडियो से ही पता चलता है। उसके बाद में ये बोलना कि ससुर के सामने तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती है, और
इतना एक्टिंग करके एक एकली काकी बन के दिखाना, तो पिटारा सच्चाई क्या है? आंटी है तू, वो सबको पता है, तो ओवर एक्टिंग तो तू किया मत कर। बार बार इस तरह से ये बात को हाईलाइट कर रही है कि अब्बू के सामने मैं सही से शूट नहीं कर पाती हूँ, अब्बू के सामने मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। इससे पहले भी इसने जब बीबी नंबर वन वाला ड्रामा की थी, तब भी इसने ये बोली थी कि अब्बू के सामने मेरी आवाज नहीं निकलती है और सही से मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। जबकि आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से इसने बेहुदा तरीके से वो वीडियो बनाई है, ससरे के सामने सीना तान तान के चल रही है, तो कभी बम दिखा दिखा के चल रही है, और ये सारा कुछ करने के बाद में इस वीडियो में भी बोल रही है कि अब्बू को मैंने खाना वाना दे दी, एसी चालू करके दे दी, वो सोने चले गए, तो अब जाके ना मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊंगी, खुल के वीडियो बना पाऊंगी। तो पिटारा इतना गंद तो तू कर ही लेती है ससुर के सामने, तो ये क्यों जताती है कि मैं ससुर के सामने खुल के वीडियो नहीं बना सकती हूँ, ताकि तू जब ससुर को लात मार के वापिस से निकाल दे तो लोगों को लगे कि हाँ भाई उसको ना काम करने में ससुर से दिक्कत होती है, इसके लिए ससुर को ये रखती नहीं। तो तू कितना दिमाग चलाती है ना वो हमें पता है। अच्छा पूरा रेडी होके आइए, लेकिन जानबूझ के घोंचू से सर में कंघी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि सामने रमजान। अच्छा रमजान को आप लोगों ने देखे, जब ये बाल बना रहा है तो भी रमजान उधर खड़ा है, ये गहने लेने गई है तो भी रमजान उधर पे साथ में। क्या तुक बनता है रमजान को साथ में ले लेके घूमने का? ये जो भी छिछोरा बना कर रही है वहां पे रमजान साथ में ही है। मतलब कि तू रमजान को सिखा रही है कि इस तरह से तुझे करना है, अगर तू ये सब कुछ कर लेगा तो फिर मैं तेरी हो जाऊंगी, ये दिखाना चाहती है। रमजान का साथ साथ में हर जगह पे खड़े रहने का क्या तुक बनता है? आप लोग खुद बताओ। रमजान को साथ में इसने ज्वेलरी लेने के लिए क्यों लेके गई थी? क्या तुक बनता है? इसने क्यों नहीं बताई? पहले जब गोंचू नहीं था तो साथ में ले लेके घूम रही थी, बहाना था कि मुझे रास्ते नहीं पता है, लेकिन अभी रमजान को साथ में ले लेके घूमने का क्या तुक बनता है? खास करके कि ये जब छिछोरापना कर रही है, कभी बाल बना रही है, कभी शरबत, तो कभी क्या वो अंगूठी पहना रहा है, वहां पे भी रमजान खड़ा हुआ है, तो ये सब में रमजान को लाने का क्या तुक बनता है? यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि ये रमजान को सिखा रही है कि तुम मेरे साथ में ना इस तरह से करना, ऐसे करके मुझे खुश करना। शर्म कर पिटारा, शर्म कर, गैर मेहराम के सामने, बल्कि तुझे तो दुपट्टा भी सर से नहीं हटाना चाहिए, अबाया वगैरह तो तू छोड़ ही चुकी है, दुपट्टा ही कम से कम तुझे सर पे ले लेना चाहिए गैर आदमी के सामने, लेकिन नहीं भाई, तू तो उसके सामने फूल टूट छिछोरापना करके दिखा रही है, अपनी तरबियत दिखा रही है, अपना गिरी हुई हरकत दिखा रही है कि तू कितनी बड़ी छिछोरी औरत है। वैसे पिटारा, जो तू घोंचू को बोल रही थी कि जामे श्री वाला पानी लेकर आ, उसके बाद में तू बोल रही थी कितना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बैठे बैठे यहाँ पे हर एक चीज ऑर्डर करूंगी, तो भाई वो तो तू शुरू से करती है, हर एक चीज तो तुझे हाथ में मिलती है, चाहे फिर वो घोंचू दे, रमजान दे, अनीता दे, या कोई ना हो तो बच्चों से ले लेती है, तू आके बैठ जाती है, बच्चों को बोलती है मुझे पानी पिलाओ, है ना, तो हर एक चीज तो तुझे बैठे बैठे मिल ही रही है। तो फिर इस वीडियो में इस तरह से बोलना कि आज मैं बैठूंगी और आज मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा और मैं ऑर्डर करूंगी, तो थोड़ा सी ना खुदा का खौफ खा और शर्म कर पिटारा। ये सारी जिंदगी तू जी रही है, ये चीज तू पूरी जिंदगी जी है और अभी भी जी रही है, और फिर बाद में ये बोलना कि सिर्फ एक दिन के लिए तुझे ये सुख मिला है, तो तुझे शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात ये बोल रही है कि 24 घंटे का चैलेंज, 24 घंटे का चैलेंज पिटारा तू करेंगी, जो तू सो के ही उठती है शाम को 4 बजे, अंधेरे में तू ब्लॉग शुरू करती है, अंधेरे में ही तेरा ब्लॉग खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसने 3 घंटे का ये चैलेंज, क्या बोलूं मैं, कि डेली की जो इसकी रूटीन है, जो ये छुपाती है, आज इसने कैमरे पे बता दी कि गोंचू कैसे रोज यस यस करता है, ये इसने 3 घंटे में करके दिखा दी और बोल रही है, और टाइटल क्या लगाई है, 24 घंटे का चैलेंज। 24 घंटा किसको बोलते हैं पता है पिटारा? दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटों को मिला के बनते हैं 24 घंटे, और तू सो के उठती है 4-5 बजे, फिर तैयार हो के मेकअप वकअप करके फिल्टर लगाने में बच जाते हैं 7, फिर तू करती है ब्लॉगिंग शुरू और 11 बजे तक के तेरी ब्लॉगिंग हो जाती है खत्म। ये 3-4 घंटे में तू बोल रही है 24 घंटे का चैलेंज, दूर फिटे मुंह तेरे। जैसे जिस जिस तरह से पिटारा उसको नचा रही थी कैमरे के सामने और बोल रही थी कि तुम्हारे पापा गुस्सा हो रहे हैं, तुम्हारे पापा को गुस्सा आ रहा है, और गोंचू भी जताने की कोशिश कर रहा था फ्लॉप एक्टिंग करके कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग खुद बताओ कि इसने ये भी बोली कि कल तुम्हारे कल इससे इसका झगड़ा हो गया था, झगड़ा करके ये चला गया था। अगर के इस तरह का ये झगड़ालू आदमी है तो तू उसको अपनी उंगलियों पे कैसे नचा सकती है? ऐसा आदमी उंगलियों पे नाच ही नहीं सकता है। तो पिटारा ये झूठ बोलना कि झगड़ा करके चला गया, झगड़ा हो गया, बच्चे लेके चली जाऊंगी, अलग जिंदगी बिताऊंगी, ये सब है ना झूठ, तो तू कम ही बोला कर। इस तरह के आदमी है ना,
कभी भी तेरी जैसे तू उंगलियों पे उसको नचा रही थी ना, वैसे कभी भी नहीं नाचेंगे, झगड़ा करने वाले आदमी। दूसरी बात, कई लोगों ने एक चिटिंग की है ये चैलेंज के अंदर, इसने जाके अबाया लेकर आई, गोंचू को बोली कि अबाया पहनो और है ना हम बाहर चलेंगे, अबाया पहन के तुम बाहर चलोगे। और फिर बाद में ना वो अबाया उसने पहना और फिर क्लिप वहां से कट हो गई और फिर गोंचू अबाये में नजर नहीं आया। वैसे पिटारा, जो गोंचू ने थोड़ी देर पहले तेरी तारीफ किया था कि तू दुबली हो गई है, तेरा वजन कम हो गया है, कपड़े ढीले हो रहे हैं, लेकिन ये जो अबाया तेरा गोंचू ने पहना है और उसको एकदम परफेक्ट आया, तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि तू और गोंचू है ना मोटापे में 19-20 भी नहीं हो, तू गोंचू के ही जितनी मोटी है, तेरा अबाया उसको परफेक्ट आ रहा था। तो यहाँ से तेरी पोल खुल गई कि तू, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना, गोंचू और इसका वेट भी सही है, परफेक्ट है, दोनों एक दूसरे के जितने ही हैं और मोटापा भी दोनों का सेम है। तो ये अबाये ने पोल खोल दिया कि पिटारा का और इसका वेट और मोटापा है ना सेम है। दूसरी बात कि चलो पिटारा अबाया रखी तो है, मुझे लगा कि इज्जत के साथ साथ में तूने अबाये का भी किसी के साथ सौदा करके ना अबाया बेच दिए, कोई तो काम आया, कम से कम घोंचू नहीं सही अबाया तो पहना, और अबाया अभी भी तेरे पास है ये पता चला हमें, वरना अबाये को तो तू भूल ही गई थी, तेरे को शर्म नाम की तो चीज है ही नहीं, इतनी कोई ये बेशर्म औरत है ना। अब आया दिखा के तो इसने और ज्यादा मेरा दिमाग खराब कर दी कि ये औरत कितना टाइम हो गया है, आप लोग देख लो लास्ट टाइम पे ये कब अबाये में नजर आई थी, और आज इसको अबाया याद आ गया कि घोंचू को अबाया पिनाना है, लानत पिटारा तेरे ऊपर। आया याद भी आया तो किस लिए याद आया, डॉलर कमाने के लिए, चैलेंज पूरा करने के लिए, मतलब के ड्रामा क्रिएट करने के लिए अब आया याद आया। सच में मेरे को इतना ये औरत के ऊपर इस बात को लेके चिढ़ है ना, कि ये जो इतना लेक्चर दी थी ना कि हमारी बीवियों के हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं, अल्लाह ने हिदायत दी है, वो सारी बातें है ना मेरे कान में आज भी गूंजती है जब ये इस तरह के छिछोरेपने करती है। तो और इसके छिछोरेपने देख के अजीब सा नहीं लग रहा था, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कितना ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, सामने जवान बेटा खड़ा है, छोटे छोटे बच्चे उधरी पे है, सीना निकाल के ऐसे सहम के, पता नहीं मुंह इतना गंदा बना रही है, मतलब के जो बातें हम लोगों ने किए है कि ये इस तरह की औरत है कि बस इसको है ना फिल्मी दुनिया में रहना पसंद है, अलग अलग मर्दों के साथ में, कि मतलब मर्द इसको इस तरह से ट्रीट करे, इसके गुलाम बन के रहे, और जो भी नया मर्द ये फंसाती है वो गुलाम बन जाता है, और फिर इसको स्पेशल फील करवाता है, और ये चीज की ये बहुत ज्यादा भूखी है, इसने इस वीडियो में इस बात को साबित कर दी है, इसकी हरकतें देखो तो वो सारी चीजें साबित हो रही है। जैसे ये जो बच्चों के सामने कर रही है फ्लावर वाला ड्रामा जो इसने की है, तो उसमें सिखा रही है कि बोलो कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, और आवाज भी दे रही है कि आया देखो तुम्हारे पापा ना मुझे प्रपोज कर रहे हैं। पिटारा क्या तरबियत दे रही है, तू बच्चों को क्या सिखा रही है? अरे भाई वो बोलते हैं ना नरम मट्टी है बच्चे, जिस तरह से भी सांचे में डालोगी ना वो ढल जाएंगे, और तू ये सांचे में डाल रही है उनको, तू ये सब सिखा रही है ताकि बड़े होके वो लोग भी ये सब हरकतें करें, सोचो उनके दिमाग में क्या घुस रहा होगा, और जरूरी थोड़ी है कि उन लोगों के दिमाग में यही घुसेगा कि हाँ शादी के बाद में हस्बैंड से ये सब करवाना है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो पिटारा पैसों के नशे में तू इतना गिर गई है, इतना घुस गई है ना, कि तूने है ना बच्चों को सच में एकदम से गिरा दिए, बच्चों के पीछे तेरा इतना सी भी ध्यान नहीं है, शर्म कर ले पिटारा शर्म कर, क्या सिखा रही है बताओ अपने बच्चों को? कोई भी एक इज्जतदार माँ, एक फिक्रमंद माँ कभी भी बच्चों के सामने ये सब हरकतें करेंगी नहीं ना, लेकिन इसको देखो। अच्छा ये सारे में से कोई भी हरकत अगर नैना कर देती, सलमा कर देती, रुबीना या कोई भी करता ना इनके खानदान में, तो जो थूके हुए सपोर्टर है ना, जो अभी भी इसकी टांगों को पकड़ के रखे हैं, वो लोग इतना चीखते कि तुम छिचोरी हो, तुम गंदी हो, तुम बेशरम हो, तुम ये सब क्या दिखा रही हो, तुम अपनी तरबियत दिखा रही हो, तुम्हारे बच्चे क्या सीख रहे, इतना चीखते कि भाई मुझे लगता है फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता, इतना चीखते। लेकिन पिटारा अगर ये बेशर्मी करेंगी ना, बोलेंगे बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छा की है, लानत तुम लोगों के ऊपर। वैसे पिटारा ये जो तू उसको बार बार बोलने लगाती है कि बोल 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 मैं बेस्ट वाइफ हूँ बोल, तो तू अगर इतनी बेस्ट वाइफ थी तो फिर गोंचू ने शादी क्यों कर लिया? अगर तू बेस्ट थी तो उसको तो शादी नहीं करना चाहिए था, बल्कि तू तो उसकी वाइफ ही नहीं है पिटारा, तू उसकी वाइफ ही नहीं है, इसीलिए उसने दूसरी शादी कर लिया, और आज दिन तलब के भी तू रह रह के
ये बात बोलती है कि मैं छोड़ दूंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं मेरे बच्चे लेके चली जाऊंगी, मैं डिवोर्स दे दूंगी। जब से तू आईटी पे बदनामी जमाना हुई है तब से आज तलक के तेरे मुंह में एक ही बात है, तू चली जाएंगी, तू चली जाएंगी। और गोचू इसके लिए कभी भी तेरे सामने आके गिड़गिड़ाया नहीं है कि नहीं तू मत जा। और यही सारी हरकतें तू पहले भी करती थी, बल्कि तू उसको एजाज के लिए छोड़ ही रही थी, छोड़ दी थी, तभी तो उसने कौतर से शादी किया। या तो फिर बंदा शादी करता है मजबूरी में, या तो फिर शादी करता है जैसे बोलते हैं ना, सवाब कमाने के लिए। लेकिन गोंचू ने तो मजबूरी में शादी किया था, क्योंकि तू बेस्ट नहीं थी शुरू से लेके आज तक के। तूने उसको नौकर बना के रखी है, तू उसको गालियां देती है, तू उसको मारती है, तूने उसकी इज्जत का जनाजा निकाली हुई है। तू ये वो मर्दों के साथ में गलत गलत नाजायज ताल्लुकात रखती है, तो तू कहाँ से बेस्ट वाइफ हुई? तू बल्कि वाइफ ही नहीं है। तभी तो गोंचू को कौसर के पास जाना पड़ा। तो ये डायलॉग बोल लेने थे, तू बेस्ट नहीं हो जाती है पिटारा। बात नहीं समझ आई पिटारा, पूरा चैलेंज तो तूने अपने सीने पे पतला दुपट्टा रख के, सीना दिखा के, उभार उभार के दिखा दिखा के तूने की। जब तू गोल्ड की शॉप पे गई तब तूने दुपट्टा क्यों सर पे रख ली? इसका मुझे समझ नहीं आया, क्या दुपट्टा ऐसे पूरा सर पे रख के, क्या चोरी कर रही थी तू, क्या कर रही थी? क्योंकि शर्म आया तो तेरे अंदर है नहीं, तरबियत तो तेरे अंदर है नहीं, पर्दा तो तेरे अंदर है नहीं। तो फिर वहां पे जाके मतलब ये दिखाना चाहती थी कि शॉप पे आदमी लोग थे तो तूने पर्दा कर ली, सर पे मतलब दुपट्टा रख ली। तो वीडियो जो तेरा है इसमें तो कितने लोग, कितने मर्द तुझे देखेंगे, तब याद नहीं आया तुझे कि आदमी लोग तुझे देखेंगे वीडियो के थ्रू? वाह अच्छा ड्रामा है पिटारा तेरा। बाकी ये जो इसने रिंग लेकर आई है ना, तो आप लोग मेरे थंबनेल पे देखना कि सेम रिंग लेकर आई है जो इजाद ने दिलाया था ना इसको, वही वाली रिंग इसने दूसरे कलर में लेके आई है। या हो सकता है उस रिंग का इसने सिर्फ डायमंड चेंज कर दी हो और एजाज को दिखा रही हो कि देखो तुम्हारी रिंग मैं आज भी पहन के घूम रही हूँ। अब वही रिंग डायरेक्ट पहनेंगी तो लोग तो बातें करेंगे कि ये रिंग तो एजाज की थी, तो तू क्यों पहन रही है? ये बात तो सच्ची है कि ये रिंग तेरे पास में है, क्योंकि जब वो रिंग वाली की पिक्चर आई थी वाइटी पे तो इसके जो चमचे थे उन लोगों ने बोला था कि एडिट है एडिट है एडिट है, तो ये पहन तो सकती नहीं है वो रिंग। तो इतने ना मुझे लगता है कि वो रिंग का ना सिर्फ और सिर्फ डायमंड चेंज करा के, कलर है ना रिंग का चेंज करा दिए, पहले ब्लैक था, अभी इसने वो फिरोजा वगैरह कुछ करवा लिए। बाकी ये चैलेंज के अंदर इसका मकसद ही यही था कि ये रिंग ले और बहाना ये कर दे कि मैं तो चैलेंज कर रही थी ना इसके लिए मैंने ली हूँ। बहाना चाहिए था इसको वो रिंग लेने का। वैसे तो बीच में इसने इसको आईफोन भी दिलाया था, और वहाँ पे जो रेट चल रहे हैं डायमंड के और सोने का, जो गोल्ड का रेट चल रहा है, वो हिसाब से इसने अच्छा खासा अभी भी खर्चा करके लेकर आई है ये रिंग। और आईफोन भी कोई सस्ता तो था नहीं। बोलने का मतलब ये है कि जब गोंचू पिटारा के पीछे खर्चा करता है तो डायरेक्ट लाखों में खर्चा करवाती है ये। और अगर कौसर के बच्चे के लिए एक कूलर आ जाता है, कौसर के और बच्चे के लिए अगर एक फ्रिज छोटी सी है, एकदम छोटी सी फ्रिज आ जाती है, तो इसके जो थूके हुए सपोर्टर है वो बैठ के चीखने लगते हैं कि पिटारा के लिए तो कुछ नहीं करता, पिटारा को नहीं देता, पिटारा को नहीं देता। तो मेरे समझ नहीं आता है कि जब पिटारा इतना खर्चा करवाती है तो फिर उनके मुंह क्यों बंद हो जाते हैं? वहाँ पे भी मुंह खोल के बोलो कि भाई वो उसको इतना कम खर्चा करता है उसके पीछे, और तू डायरेक्ट लाखों की चीज़ें लेती है, तो थोड़ी सी शर्म कर। और बोल रही है नहीं मेरे पैसे में से मत लेना, नहीं मेरे पैसे में से मत लेना। अरे पिटारा सच्चाई बता ऑडियंस को कि गोंचू के जो चैनल का जो बैंक अकाउंट है ना, वो गोंचू का अकेले का नहीं है, उसमें तू भी है, तेरा अकाउंट है वो, तेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। गोंचू की इतनी मजाल कि वो खर्चा कर ले, जब तलक के तू देती नहीं है ना साइन करके या निकाल के पैसा, तब तलक के वो खर्चा नहीं करता है। तो ये जताना तो ना तू छोड़ दे कि गोंचू का अलग अकाउंट है, गोंचू अपनी मर्जी से खर्चा करता है। अगर कूलर और फ्रिज भी लेके दी गई है ना, तो वो तूने बजट तय की थी, तूने लेके दी है, तेरे हिसाब से मिली है। अगर के गोंचू और कौसर के हिसाब से मिलती ना, तो कौसर भी बड़ी लेती, छोटी नहीं लेती। कूलर की जगह वो एसी लगवाती। कौसर के पीछे ये कितना खर्चा करता है, कितना उसको टाइम देता है, कितना घुमाने लेके जाता है, कितना अच्छा पहन रही है, कितना अच्छा खा रही है, कितनी सुख सुविधा मिल रही है, वो सारा कुछ आप लोगों को दिख रहा है। और पिटारा को देख लो, अय्याशियाँ चालू है, घूमना फिरना, आए दिन गोल्ड खरीद रही है, आए दिन प्रॉपर्टी खरीद रही है, आए दिन गाड़ियाँ चेंज करती है, आए दिन कोई ना कोई फंक्शन करती है, आए दिन कहीं ना कहीं घूमने जाती है। उसके बाद में भी इसके सपोर्टर बैठ के कौसर को और साजिद को गालियाँ देते हैं। मुझे समझ नहीं आता है क्या इन लोगों को अपनी आखिरत भूल चुके,
आखिरत याद नहीं है कि इतना दोगलापना करोगे तो आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। सोचो कि इसने जो इतना ज्यादा घोंचू को नचाई है इस वीडियो में टट्टू बना के, अगर इसमें से 1% भी घोंचू कौतर के साथ कर देता, उसको इतना खुश करने की कोशिश करता तो ये कितना रोती। ये डायरेक्ट डिवोर्स के पेपर ही लेके आ जाती कि बस मुझे डिवोर्स दे दे। 2 दिन वो कौसर को लेके लोगों ने सिंपति क्या दिखाई YT पे, तो इसने कौसर के नाम का रोना धोना डाल के बैठ गई कि मेरे पास नहीं रहते, वहां सोने जाते, वहां पे ज्यादा टाइम देते है, देख लो 12 बज रहा है अभी तलक के इधर नहीं आए है, छुट्टियां हो गई है तो अब वो ज्यादा टाइम उधर देते है। ये सारा करके इसने रोना धोना करी, मैं चली जाऊंगी, मैं डिवोर्स दे दूंगी, मैं अकेले रहूंगी, मैं मेरे बच्चे लेके अकेले रहूंगी। इसको कौतर की इतनी सी भी चीज बर्दाश्त नहीं है। सोचो कौतर के पास भी मोबाइल है, कौतर भी वीडियो देखती है, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी अगर सच में वो इसकी वाइफ है। तो थोड़ा है ना दोगलापना कम करो और हक और सच की बात किया करो। फिर भी ये औरत क्या बोलती है, मुझे नहीं देखता, मुझे नहीं पूछता, मुझे टाइम नहीं देता, मेरे लिए खर्चा नहीं करता। वाह भाई वाह। वैसे तो घोंचू रोज इसी के पास सोता है, लेकिन इसमें बोल रही है कि हमारा चैलेंज है तो आप यहाँ पे सोएंगे, मेरे पास सोएंगे। वाह पिटारा। वैसे भी वो यहीं पे सोता है, खाली ड्रामा करने के लिए कौतर के पास में जाता है। जिस तरह से वो यहाँ पे सोता हुआ नजर आता है, क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि कौतर के घर पे वो सोता हुआ नजर आया है? सिर्फ जताता है कि मैं इधर पे उठा हूँ सो के, मैं इधर नाश्ता कर रहा हूँ, मैं रात को इधर सोने आ गया हूँ। कभी बेड पे लेटा हुआ आप लोगों ने देखे? कभी बेड पे से उठते हुए देखे? कभी उसका सामान देखे कि हाँ मेरा यहाँ पे कपड़ा टंगा हुआ है, मैं यहाँ पे नहाया था, मेरा यहाँ पे कपड़ा टंगा हुआ है, मैं यहाँ पे सोया था, यहाँ पे मेरी चाय का कप पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरी पानी का गिलास पड़ा हुआ है, कभी देखे? नहीं ना, क्योंकि वो वहां पे सोता ही नहीं है, वो पिटारा के ही पास सोता है, मतलब इसके बच्चों के पास। ये तो कहीं और ही सोती है, आप लोगों को पता ही है। हस्बैंड पैसा दे रहे हैं तो पिज्जा खा रही हूँ, हस्बैंड पैसा दे रहे हैं तो खर्चा कर रही हूँ, जैसे कि पूरा घर तू ही चला रही है पिटारा। अरे बस कर दे पिटारा, ये सब बोल बोल के क्या जताना चाहती है कि हस्बैंड तुझे पैसा नहीं देता। अगर के वो गालियां ना खाए ना पिटारा तो तेरा चैनल ही ना चले। कौतर से अगर वो शादी ना करता ना तो तू आज कहाँ पे होती ना, वो तू अच्छे से जानती है, समझी? इसके उसके ऑफिसरों के, वैसे भी अभी भी तू करती है वो सब, लेकिन बिल्कुल भी वही काम में लगे रहती, यहाँ पे तू नजर नहीं आती, समझ आई? तो इन लोगों की बदौलत ही तेरा चैनल चल रहा है, तो ये सब डायलॉग मारना तो तू बंद कर दे। बाहर जाके पिज्जा खा के आ गई, बच्चों का ख्याल नहीं आया? छोटी सी बच्ची तूने घर पे छोड़ के बाहर अय्याशी कर रही है, तू घूम रही है और पिज्जा वगैरह खा रही है, फिर बाद में ये बोलना कि मैंने तो घोंचू के चक्कर में पिज्जा खा ली, मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरा वेट इतना कम हो गया, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई दिन रात तो टूटते रहती है, तो फिर झूठ क्यों बोलती है कि मैं खाती नहीं हूँ? रोज तो खाती है तू, कभी बोलती है आज तो मैं डाइट छोड़ रही हूँ, आज इतनी मजे की बिरयानी बनी है, आज मैं डाइट छोड़ रही हूँ, आज ये चीज मजे की बनी है, आज वो चीज मजे की बनी है, मीठा देखे बिना रहा नहीं जा रहा, रोज टूसते रहती है, फिर बोलती है कि मैं डाइट कर रही हूँ। लानत है तेरे पर, फिल्टर लगा लेने थे, वजन नहीं कम होता पिटारा। मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि ये औरत बच्चों के बिना कैसे हलक से उतर जाता है बाहर खाना पीना, यही नहीं समझ आता है। और ये डेली बाहर जाती है, एक टाइम ये घर में खाती है, दूसरे टाइम सारे घर वाले वही खाना खाते हैं, लेकिन ये औरत बाहर जाके कुछ ना कुछ खाती है, क्योंकि एक खाना 2 टाइम इसको नहीं उतरता है। कैसी माँ है ना ये कि बच्चों के बिना इसको उतर जाता है। और यहाँ पे हम ऐसे सोचते नहीं, अगर बच्चे साथ नहीं है ना तो फिर अगर पानी पूरी भी खाना है ना तो पार्सल लेके चलो, पहले बच्चों के अलग से उतरे फिर हम उतारेंगे, हमारे अलग से नहीं उतरता भाई। और ये देखो बच्चा काट खेलती है, लेकिन बच्चों के बिना तैयार भी हो जाती है, घूम भी लेती है, खा भी लेती है, और फिर रोना धोना भी बच्चों के नाम का। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।